तो आज हम फिर आ गए हैं वन एंड ओनली स्काई मॉल, बठिंडा रोड पे है, मलोट वाली साइड। एंड आज हम जा रहे हैं वन बाइट पे, जो कि है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आउटलेट। एंड ये एक लौती आउटलेट नहीं है इनकी, दे हैव ओवर 85 प्लस आउटलेट्स। एंड मेन शहरों में, सारों में आउटलेट्स हैं इनकी, लुधियाना हो गया, पानीपत हो गया, मोहाली, दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, वाराणसी एंड और भी बहुत शहरों में आप ये लिस्ट देख सकते हैं। एंड अभी चलते हैं अंदर, पहले मैं आपको लोकेशन का बता देता हूँ। तो लास्ट पंजाबी रोल्स वाली आपने वीडियो तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पंजाबी रोल्स की जगह वीडियो देख लीजिए। एंड लोकेशन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, स्काई मॉल की लोकेशन पहले मैं बताता हूँ कि बठिंडा रोड के ऊपर है, मलोट वाली साइड। एंड अगर आपने सिरसा वाली साइड जाना है या फिर बठिंडा या फिर पटियाला जाना है राजस्थान वाली साइड से, गंगानगर भाबौर वाली साइड से, तो रास्ते में ही आपको पड़ेगा स्काई मॉल। एंड स्काई मॉल में आके आप इंजॉय कर सकते हैं वन बाइट। तो अब चलते हैं वन बाइट के अंदर, देखते हैं कि प्लेस कैसी बनी हुई है एंड करते हैं इनका फूड टेस्ट। सो लेट्स गो। तो अभी चलते हैं हम वन बाइट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से फर्स्ट लुक मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड एम्बियंस प्लेस का काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर सिटिंग है। एंड कि मेरे को एक कॉन्सेप्ट इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा कि इन्होंने यहाँ पे गेम्स रखी हुई है। सपोज आपका जो ऑर्डर है वो लेट हो जाता है तो आपके पास टाइम पास करने के लिए है कैरम, एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जेंगा भी पड़ी है एंड इवन देर इज लूडो टू पास योर टाइम। एंड यहाँ पे अगर आप वन बाइट पे आ जाते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वैसे ये बात नहीं है कि ऑर्डर लेट होगा, ऑर्डर की टाइमिंग भी परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम पे आ जाता है। एंड एक मतलब प्लस पॉइंट ये है कि किसी आउटलेट पे आपको गेम्स भी खेलने को मिल रही हैं फॉर टाइम पास। बाकी आगे मैं आपको प्लेस दिखा देता हूँ। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट इनका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है, सोफाज है, सोफा टाइप चेयर भी है, भी मतलब स्पंज वाली चेयर्स है कि जो भी यहाँ पे आए वो कंफर्टेबली बैठ सके। एंड एयर कंडीशनिंग भी आप देख सकते हैं पूरी है। यहाँ पे ड्रिंक्स भी तरह तरह की अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर आर नॉन अल्कोहलिक फ्रूट बियर्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल। बाकी अभी हम करते हैं वन बाइट का फूड टेस्ट एंड फिर बताते हैं आपको कि इनका फूड टेस्ट कैसे करता है एंड मैं आपको 10 में से रेटिंग भी दूंगा। तो टेबल हमारा ऑलरेडी रिजर्व था एंड अभी बस खाना आने वाला है, तो खाना टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि मिस्ट्री जो यहाँ के उन्होंने हमारे लिए एक मिस्ट्री रखी है कि उन्होंने हमें बताया नहीं है कि फूड में क्या क्या आने वाला है। एक्चुअली आई टोल्ड देम टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट आइटम्स, द बेस्ट सेलर्स, एंड देखते हैं अभी क्या चीज़ें आती हैं। मेरे को भी अभी कोई क्लू नहीं है कि खाने के लिए कहाँ क्या आने वाला है, तो देखते हैं क्या आता है एंड फिर देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसे होता है। तो फूड हमारा आ गया है, अभी और आ रहा है, पर सबसे पहले आया है ओरियो शेक, किटकैट शेक है एंड देयर इज देयर स्पेशल फ्राइड चिकन, पनीर पेपरी बर्गर एंड इसके बाद आ रहा है एक पिज़्ज़ा, वॉफल एंड इनका स्पेशल जो है चोको लावा केक। तो सबसे पहले हम इनका जो स्पेशल फ्राइड चिकन है वो ट्राई कर लेते हैं। मज़ा आ गया बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि KFC पे आके बैठ गए हैं, टक्कर भी नहीं कर रहे। KFC से थोड़ा सा मेरे को अच्छा ही लग रहा है, मतलब KFC के लेवल मैच करना वैसे तो डिफ़िकल्ट है, पर वन बाइट ने ऐसा कर दिखाया है। मैंने कई जगह पे फ्राइड चिकन खाया हुआ है बट ये काफ़ी बढ़िया है यार, मज़ा आ गया खा के। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो प्रॉपरली कुक्ड है एंड सीजनिंग परफेक्ट है, थोड़ा टैंगी टेस्ट है, मतलब मज़ेदार टेस्ट आ रहा है यार इसका। एंड अब ट्राई कर लेते हैं हम इनका जो है ओरियो शेक। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन ओरियो शेक की काफ़ी बढ़िया है, अभी देख लेते हैं इसका टेस्ट। ओरियो बिस्किट का काफ़ी तगड़ा फ्लेवर आ रहा है इसमें,
मीठा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मतलब मेड विद परफेक्शन हम कह सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अभी बर्गर मैं बाद में टेस्ट करता हूँ, अभी एक मिनट बाद हमारा पिज्ज़ा आ रहा है तो बर्गर हम तब टेस्ट करेंगे, अभी हम इंजॉय कर लेते हैं अपने शेक्स एंड हमारा चिकन। तो पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है एंड वॉफल एंड चोको लावा केक आ रहा है, तो पहले पिज़्ज़ा ट्राई कर लेते हैं। इस पर डालते हैं थोड़ा सा ओरिगैनो एंड ये इनका चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चीज़ तो देख ये बह ही रहा है चीज़, तो देखते लो जी नीचे गिर गया चीज़, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बेस जो है वो सॉफ्ट भी है क्रिस्पी भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनका बेस है ना वो इनका यहीं पे बना हुआ है, इनकी एक यूनिक रेसिपी है एंड पूरा चीज़ी फ्लेवर है। पनीर में ऊपर से टेस्ट कर लेते हो कि पनीर कैसा है। ऑसम टेस्ट, चीज़ी पिज़्ज़ा, सॉफ्ट भी है, ऑन दी अदर हैंड सॉफ्ट के साथ साथ क्रिस्पी भी है, टेस्ट इनक्रेडिबल है। एंड पिज़्ज़ा तो यार एक बार अगर आप वन बाइट पे आते हैं तो पिज़्ज़ा तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है, काफ़ी बढ़िया पिज़्ज़ा। तो ये देख लीजिए चोको लावा केक भी आ गया है एंड अभी इसमें हम चम्मच मारेंगे और देखेंगे कितना चॉकलेट जो है इसमें से कितना गिरता है। सबसे पहले स्वीट डिश खाने से पहले हम टेस्ट कर लेते हैं जो इनका पेपरी पनीर बर्गर, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरह से बर्गर है, लेटस है बीच में, अनियन है, सॉसेज है और साथ में इनकी जो स्पेशल टिक्की है वो भी है। तो ये कर लेते हैं हम टेस्ट, इनकी जो ये वाइट वाली सॉस है ना ये मेरे को मेयोनीज नहीं लग रही, ये मेरे को लग रही है कि इनकी चीज़ सॉस है, क्योंकि मेयोनीज का जो टेस्ट है वो थोड़ा इस अलग होता है, पर ये मेरे को थोड़ा चीज़ी सा टेस्ट दे रही है, शायद स्पेशल तरह की कोई मेयोनीज हो पर मुझे वो नहीं पता। एंड ओवरऑल बर्गर भी काफ़ी बढ़िया है इनका, वेजिटेबल्स भी पूरी तरह से डाली हुई हैं, टमाटो है, लेटस है बीच में। कई जगह पे क्या होता है कि लेटस की जगह कैबेज डाली होती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने लेटस यूज़ की हुई है इसमें। बाकी पिज़्ज़ा का टेस्ट और जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी ये ख़त्म करके स्वीट डिश को, इसको ख़त्म नहीं करते एक्चुअली, अगर ये ख़त्म कर दिया तो मैं आपको चोको लावा केक का लावा नहीं दिखा पाऊँगा, तो पहले हम लावा देख लेते हैं कितना लावा निकलता है इसमें से। भाई ये देख लीजिए कि मतलब भरा ही हुआ है चॉकलेट से। टेस्ट थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ आपके लिए, गरम है भाई, डोमिनोज का जो चोको लावा केक है ना वो फेल है इसके सामने, मतलब गारंटी दे रहा हूँ फेल है, इतना अच्छा। चॉकलेट से भरा हुआ है यार, ये नहीं है भी चॉकलेट में कोई कंजूसी है, ये देख लो मतलब अंदर पूरी तरह से मेल्टेड चॉकलेट भरा हुआ है इसमें से एंड कुक्ड बहुत बढ़िया से कुक किया गया है, अच्छा बहुत लग रहा है। बाकी अभी हम ये सभी कुछ ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनका वॉफल कैसा है एंड फिर करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो पिज़्ज़ा बर्गर लावा केक फ्राइड चिकन सभी का आपको रिव्यू बता दिया एंड जो मेरा फेवरेट है माय पर्सनल फेवरेट वॉफल, आप देख सकते हैं अभी चौक ऊपर चॉकलेट है, वनीला आइसक्रीम है साथ में एंड अभी करते हैं इसको टेस्ट भी, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये एंड अच्छी तरह से पका हुआ है। थोड़ी सी मैं वनीला आइसक्रीम ले लेता हूँ साथ में, देख सकते हैं कितना चॉकलेटी है
सिर्फ इसके लिए मैं 3 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करूंगा, चॉकलेटी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस। इसका भी रिव्यू हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया था फूड। मेरे को ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रेटिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। एंड अभी वॉफर करते हैं ख़त्म, फिर ऑनर से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सो ये है वन बाइट मलोड के ऑनर, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। एंड आप सबसे पहले मैं आपको एक ऑफर के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे वन बाइट पे आते हैं एंड आप इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने भी जैसे अपने फूडीज वर्ल्ड आईजी लिंक इन डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी शेयर की है वन बाइट मलोड को टैग करके, अगर आप भी वैसे एक स्टोरी शेयर करते हैं इनको टैग करके, इनका भी जो इंस्टाग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर टैग करते हैं, तो आपको आपके ऑर्डर पे 10% ऑफ मिलेगी। एंड मेरी मानो तो यार टैग कर लेना, 10% ऑफ मिल रही है, बहुत बढ़िया ऑफर है। एंड सर आप बता दीजिए एक तो कितनी हमारी ऑल ओवर इंडिया में सुना आउटलेट्स हैं, एक तो आप आउटलेट्स के बारे में कितने आउटलेट्स हैं? हमारी टोटल ऑल अराउंड 85+ आउटलेट्स है, मोस्ट ओवर ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने सब कुछ सब एरियाज कवर करने की कोशिश करी है इंडिया में। एंड दिल्ली में अराउंड 4 आउटलेट्स हैं, ऑल द मेट्रो सिटीज आर कवर्ड मोस्टली, हम बाकी भी सिटीज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोन प्रॉब्ली विल गो अब 100, मैं आपको फिर से इन्वाइट करूँगा वर्षा, ठीक है। एंड बाकी आप फूड तो बताइए, फूड तो मैंने आपको रिव्यू बता ही दिया यार, फूड वॉज ऑसम। एंड सबसे बड़ी बात जो डेजर्ट्स थे ना एंड जो शेक्स थे, ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे एज बीइंग अ डेजर्ट लवर, मुझे वो जो चोकोलावा केक, वॉफल, शेक्स वो बेस्ट लगे। अगर हम फ्राइड चिकन का कंपैरिजन केएफसी से करें तो मतलब टक्कर दे रहा पूरा केएफसी को। एंड पिज्ज़ा भी काफ़ी चीज़ी था, काफ़ी बढ़िया था। बाकी ये था मेरा रिव्यू, अगर आप किसी भी बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हैं, मान लो आप दिल्ली में हैं, मोहाली में हैं, या आप लखनऊ, वाराणसी, पटना, जहाँ भी रहते हैं, बस आप वहाँ पे गूगल मैप्स पे वन बाइट और अपनी सिटी टाइप करें, अगर वहाँ पे है तो वन बाइट विजिट करें, फूड का रिव्यू मिल गया है। एंड हर वन बाइट की आउटलेट पे आपको सेम फूड ही मिलेगा बिकॉज दे हैव देयर ओन यूनिक रेसिपीज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, विजिट वन बाइट ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन मलोड, मलोड में भी आइए, अपने शहर में भी जाइए। तो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।